जय हिंद साथियों, एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़। मेरिट अभ्यर्थियों का आंदोलन का प्रभाव आखिर आपस में फूट पर ही गया, देखते हैं इस न्यूज़ को। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कल जो एसटीटी 2019 वाले थे वो पटना में खासकर मेरिट वाले ने आंदोलन करना शुरू किया, और उनकी भीड़ उतना तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी था आंदोलन तो आंदोलन होती है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने एकजुटता दिखाई। लेकिन एक गलती उन लोगों से हो गया कि उनके पास कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं था जो कि इस मुद्दे को जोर से उठाता और शिक्षा मंत्री या किसी के पास पहुंचा पाता। और एक और गलती उन्होंने किया कि केवल मेरिट वाले को ही ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे, नियुक्ति उन्हीं को मिले, जिसके कारण नॉन मेरिट वाले उनसे खफा है और उनके भीड़ में वो शामिल भी होना नहीं चाहते। तो इसका मतलब यह है कि आपस में कहीं ना कहीं फूट पड़ गया है, और जिसकी वजह से उनका जो आंदोलन है वो उतना तेज़ नहीं हो पाता है। और जहाँ तक ये बात है तो 30,000 समथिंग इसमें जो सफल हुए थे अभ्यर्थी, वो पूरा भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उनको पता है कि यह जो है मेरिट नॉन मेरिट का खेल ये सारा समाप्त हो चुका है, और केवल अब यही है कि अब सभी को इस बहाली में भाग लेने का अवसर मिलेगा, और 2011 वाले को भी मिलेगा, तो जिसके कारण उनकी संख्या बहुत कम पड़ गई और सभी वहाँ जा भी नहीं पाए। और उसके बाद जब लास्ट में लाठीचार्ज किया गया तो उस समय भी अभ्यर्थी अड़े हुए थे और अपनी मांग को उठा रहे थे लगातार कि सबसे पहले मेरिट वालों का नियुक्ति पत्र दिया जाए, उसके बाद नॉन मेरिट वाले का बात किया जाए, किसी का या 2011 वाले का, और जिसके कारण यह और भी कमज़ोर होता दिख रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कल का आंदोलन देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था, क्योंकि जो संख्या पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पाई, और उनका जो मुद्दा था कि मेरिट वाले का ही किया जाए, जिसके कारण ये और कमज़ोर होता था। सबसे पहले आपस में उन लोगों को मिलना चाहिए था, क्वालिफाइड हो डिसक्वालीफाइड हो, मेरिट नॉन मेरिट या कोई भी है 2011 वाले, ताकि भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते और जिसके कारण शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी बुद्धि जो है से एक दबाव पड़ती और वो मजबूर होती। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच आंदोलन सफल ही रहा, और आंदोलन तो आंदोलन होता है, जिसके कारण ये सरकार के कानों में भी पहुंच पाती है।